ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और मनोवांछित कामना को पूर्ण करने के लिए। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष का व्रत सर्वोत्तम व्रत माना गया है। ये व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन विधि विधान से शिव और शक्ति की आराधना करने से किसी भी प्रकार की बाधा आपके जीवन में हो तो दूर होती है और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो निश्चित ही भगवान शिव की कृपा से वो पूर्ण होती है। और प्रदोष का व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि के दिन धारण किया जाता है, तो हर महीने में दो बार त्रयोदशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। तो दोनों ही त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव की कृपा पाने के लिए भक्त प्रदोष का व्रत धारण करते हैं। अब बहुत से भक्त हैं जो कि एक ही व्रत धारण करते हैं किसी भी एक पक्ष का, या फिर कई भक्त हैं जो कि दोनों पक्ष के प्रदोष का व्रत धारण करते हैं। तो अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन आपको भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा प्रदोष काल में अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन आपको किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए और कौन सी वस्तु भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें जिससे कि इस व्रत का या पूजा पाठ का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, और जिस भी मनोकामना से आप प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर रहे हैं आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, तो संपूर्ण जानकारी प्रदोष व्रत से संबंधित आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसलिए आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और प्रदोष का व्रत आपको कब धारण करना है। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 जुलाई को रात्रि में 1:17 पर और त्रयोदशी तिथि उसी दिन रात में 11:07 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि हमें त्रयोदशी की प्राप्त हो रही है 1 जुलाई को, जो कि शनिवार का दिन होगा और इसी दिन प्रदोष का व्रत रखा जाएगा क्योंकि इसी दिन संध्या काल में हमें त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है। तो 1 जुलाई 2023 शनिवार के दिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत रखा जाएगा। तो जो भक्त प्रदोष का व्रत धारण करना चाहते हैं सुबह जल्दी उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके और अपने घर के मंदिर में आकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कीजिए। और हाँ, अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करना चाहते हैं तो सबसे पहले हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आप प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं। जिस भी मनोकामना से आप प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से कहिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंभू, मेरा व्रत मेरी पूजा स्वीकार करके मुझे शुभ फल प्रदान करें। व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से व्रत का संकल्प लेने के बाद आपका व्रत शुरू हो जाता है। इसके बाद आप विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कर लीजिए और पूजा पूर्ण करके आरती कर लीजिए। अब अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं या चाहे तो निर्जल व्रत भी धारण कर सकते हैं। अगर आप निर्जल व्रत धारण करते हैं तब तो आप जल भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फलाहार कर रहे हैं तो ऐसे में आप कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं और फलाहार और जलाहार के द्वारा आप प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है, तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर पांचों चीजें मिलाकर पंचामृत बना लीजिए। और हाँ, इसके साथ ही शुद्ध जल अवश्य रखिए और भगवान शिव की पूजा के लिए भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, पुष्प, इसके साथ ही भस्म और चंदन इत्यादि, ये सभी चीजें एक साथ एकत्र करके रख लीजिए। और शाम की पूजा करने से पहले स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, फिर ये सभी सामग्री लेकर अपने घर के आसपास अगर कोई मंदिर है तो मंदिर में जाकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। अब मान लीजिए कि आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में भी भगवान शिव की फोटो या फिर अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं। तो जैसा भी आपसे संभव हो सके, अगर मंदिर है तो मंदिर जाकर पूजा कर लीजिए, नहीं तो घर में भी भगवान शिव की पूजा आराधना आप कर सकते हैं।
प्रदोष व्रत के दिन अगर आप शिव मंदिर में दीप दान करते हैं, दीपक प्रज्वलित करके भगवान शिव को समर्पित करते हैं, तो किसी भी प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है और जो भी आपकी मनोकामना होती है निश्चित ही भगवान शिव की कृपा से वो पूर्ण होती है। तो आज के दिन घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां पर आपको दीप दान अवश्य करना चाहिए। और जैसा कि इस बार शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाएगा, तो जब शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत आता है तो इसे शनि प्रदोष कहा जाता है। और शनि प्रदोष किसी भी प्रकार की शनि पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप शनि की साढ़े साथी से परेशान हैं, ढैया से परेशान हैं, शनि के गोचर में या फिर महादशा अंतरदशा के दौरान आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो ऐसे में ये दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है, क्योंकि शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने से किसी भी प्रकार के शनि दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और अगर आप शनि पीड़ा से परेशान हैं, तो जल में आपको थोड़े से काले तिल मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। और अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो बहुत समय से अधूरी है, बहुत प्रयास करने के बाद भी पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में भगवान शिव की आज शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय विधि विधान से पूजा कर लीजिए। और इसके बाद भगवान शिव को शमी के पत्र या फिर शमी के पुष्प अर्पित कीजिए। शिवलिंग पर आज के दिन शमी के पत्र या पुष्प अर्पित करने से किसी भी प्रकार की मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाती है। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक कोई भी परेशानी आपके जीवन की हो समाप्त हो जाती है। धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह में बाधाएं हो या फिर आपके काम काज में, नौकरी और व्यापार में परेशानियां आ रही हैं, तो ऐसे में शनि प्रदोष के दिन आप अगर शमी पत्र या शमी का पुष्प अर्पित करते हैं शिवलिंग पर, तो हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और हाँ, आज बिल्व पत्र अर्पित करते समय प्रत्येक पत्ते पर राम 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 सफेद चंदन से लिखिए और फिर भगवान शिव को अर्पित कीजिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार बिल्व पत्र अर्पित करने से समस्त प्रकार के जाने अनजाने में किए गए जो पाप कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और फिर किसी भी प्रकार की मनोकामना आपकी होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो अगर आप बिल्व पत्र अर्पित करते हैं तो इस बात का ध्यान अवश्य रखिए। शनि प्रदोष के दिन धतूरे के फल भगवान शिव को अवश्य अर्पित करने चाहिए। इससे आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती हैं। अगर आप कर्ज से परेशान हैं या फिर रोग से परेशान हैं या फिर शत्रुओं से परेशान हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में आ रही है, अगर आप धतूरे का फल अर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो 1 जुलाई 2023 यानी कि शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। तो अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं भी करते हैं तो पूजा अवश्य कीजिए। उपाय आप कर सकते हैं, सभी उपाय आप कर सकते हैं और ये सभी उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 1 जुलाई को शाम 6:45 से रात्रि 8:30 तक। ये प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस समय में अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, तो इससे भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और किसी भी प्रकार की इच्छा हो आपकी पूर्ण होती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जप जैसे कि ओम नमः शिवाय या फिर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का आप जप कर सकते हैं। आप चाहें तो शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या शिव महापुराण की कथा भी पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मनोकामना के अनुसार आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं या फिर शिव रुद्राष्टक का पाठ भी कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी मंत्र का जप कीजिए और भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए। और अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो शाम की पूजा करने के बाद आप मीठा भोजन करके व्रत खोल सकते हैं या फिर आप चाहें तो अगले दिन सुबह उठकर स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर से भगवान शिव की आराधना कीजिए। फिर शुद्ध और सात्विक भोजन खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। मतलब जिस प्रकार से आपने व्रत शुरू किया है उसी प्रकार से आपको नियम पालन करना चाहिए। तो ये है आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। और शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनने के लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।